हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11C फ्रॉम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वी हैव ऑलरेडी डन एक्सरसाइज 11A एंड 11B बेस्ड ऑन द जनरल टर्म ऑफ जीपी. इस एक्सरसाइज में भी हमें उसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दैट जनरल टर्म Tn ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय Ar रेज टू द पावर n माइनस 1. Tn is the nth term, A is the first term, and R is the common ratio. Just एक AP की property हम use करेंगे, वो आप already ratio proportion वाले chapter में use कर चुके हैं. Suppose three numbers A, B and C are in GP. Then क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? अगर ये जीपी में है, इट मींस इनका रेशियो इक्वल होगा. बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी. और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो बस ये प्रॉपर्टी आप लर्न करेंगे. इफ ए बी सी आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी. एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 11C. अब देखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 11C में हमें सॉल्व करने हैं, वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. वी हैव टू फाइंड एनी टर्न फ्रॉम एंड. 11A 11B में हमने Tn का फॉर्मूला यूज करके 7th टर्म 19th टर्म फाइंड आउट किए, बट वही 7th और 19th टर्म हमें इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करनी है फ्रॉम एंड. देखिए, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सपोज दिस इज द जीपी एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड. इस जीपी का हमें फोर्थ टर्म एंड से फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थ्री मेथड्स हैं. अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना इजी पड़ता है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर आपको सेकंड वाला मेथड इजी लगता है तो आप सेकंड वाला मेथड यूज कर दीजिए. अगर आपको थर्ड वाला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इजी लगता है तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एपी में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 2. एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज 1024. We have to find last fourth term from the end. Nth term from end in a GP will be given by Tn dash is equal to L upon R raised to the power n minus 1. अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना इजी लगता है तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर दीजिए और जस्ट अप्लाई कर दीजिए. आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड आउट करना है एंड द लास्ट टर्म इज 1024, कॉमन रेशियो इज 2 एंड एन इज 4. सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू 2 raised to the power 3 means 8, और जस्ट 8 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 128. अब देखिए, सेकेंड मेथड सपोज आप कोई नया फॉर्मूला नहीं लर्न करना चाहते हैं. बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कई बार हम फॉर्मूले लर्न करने से बचते हैं. या फिर आपको लास्ट मोमेंट पर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं. ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है. अगर कोई सीरीज लेफ्ट टू राइट जीपी है, इट मींस वो राइट टू लेफ्ट भी जीपी होगी. डिफरेंस क्या होगा कि अगर लेफ्ट टू राइट उसका कॉमन रेशियो आर है, तो राइट टू लेफ्ट जो आप जीपी कंसिडर करेंगे उसका कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r. एक्चुअल में मेथड 1 एंड मेथड 2 आर सिमिलर. इसमें आपने डायरेक्ट मेथड 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है और इस मेथड में हम उस फॉर्मूले का वर्किंग रूल यूज कर रहे हैं. तो इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. आप देखिए, इसी सीरीज में अगर हम देखें तो इससे पहले वाला टर्म होगा 512.
तो अब अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लिखूं तो देखिए क्या ये जीपी नहीं है, इट इज ऑल्सो अ जीपी। आप लास्ट वाली टर्म से देखिए, यहां पर देखिए अगेन द रेशियो इज कॉमन। अगर आप कॉन्जुगेटिव टर्म 4 को 8 से डिवाइड करेंगे दैट विल गिव 1/2, और अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज ऑल्सो 1/2। रेशियो कॉमन है, लेफ्ट टू राइट इसका कॉमन रेशियो 2 था और राइट टू लेफ्ट इसका कॉमन रेशियो 1/2 है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यहां से हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना था। तो अगर इस जीपी को हमने रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया इट मींस वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ दिस जीपी जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एंड फॉर दिस जीपी फर्स्ट टर्म इज 1024, दैट इज 1/r, मींस 1/2, एंड वी हैव टू फाइंड जस्ट फोर्थ टर्म। सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, लुक एट दिस टर्म, दिस इज सिमिलर टू दिस 1024/2^3, और ये भी यही है, जस्ट उस फॉर्मूले का वर्किंग रूल हमने यूज किया है। इस मेथड को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड मेथड थोड़ा सा लेंदी है बट आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थर्ड मेथड है, इसमें भी आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला ये है, सपोज वी हैव टू फाइंड आरथ टर्न फ्रॉम द एंड, देन ये आपने एपी स्टडी किया होगा और लर्न किया होगा, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वनथ टर्न फ्रॉम द बिगनिंग। वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीरीज। अब देखिए इस मेथड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। उसके लिए आप हम लेट कर लेंगे 1024 इज इट्स nth टर्म, सो टी एन इज इक्वल टू 1024, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 एंड द कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट विल गिव 2। नाउ Tn is equal to Ar raised to the power n minus 1. Put the values. We can write 1024, 2 raised to the power 10 and that is 2 raised to the power n. So the value of n is 10, means number of terms in this GP are 10. Now we have to find fourth term from the and. Then fourth term from the end will be equal to n minus r plus 1th term from the beginning, and here n is 10. Seventh term from the beginning. So just find seventh term, that is ar raised to the power n minus 1, a is 2, r is also 2 and n is 7, that is 2 raised to the power 7, 128. अब आप तीनों methods में से जो method आपको easy लगे, अच्छा लगे, आप उसके according questions को solve कर सकते हैं। Now we are starting is exercise 11c. First question, find the seventh term from the end of this series. First question को मैं आपके साथ तीनों मेथड से शेयर कर रही हूं। First method से देखिए, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। First method हमने लर्न किया था डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। इन दिस जीपी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज जीपी और नॉट। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपको चेक करना होगा कि जीपी का है या एपी का है, और शो भी करना होगा। तो देखिए, इसको हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया,
वी विल गेट अंडर रूट टू. नाउ थर्ड टर्म को हमने डिवाइड किया सेकेंड टर्म से, इट इज ऑल्सो अंडर रूट टू. रेशियो इज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इट इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म अंडर रूट टू एंड कॉमन रेशियो अंडर रूट टू. नाउ वी हैव टू फाइंड, एंड द लास्ट टर्म इज 32. वी हैव टू फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड. तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड दैट इज l अपॉन r रेज टू द पावर n माइनस 1. वी हैव टू फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड. l इज 32, r इज अंडर रूट 2 एंड n इज 7. Under root 2 raised to the power 6. Under root 2 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 by 2. It is 32 divided by 2 raised to the power 3. 32 divided by 8. And the answer is 4. This is method 1. अब देखिए इसी question को अगर हम second method से solve करें, ऑल्सो अ जीपी. इट्स फर्स्ट टर्म इज 32 एंड द कॉमन रेशियो विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल सीरीज दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. वी हैव टू फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड. डायरेक्ट आप इस सीरीज का सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड आउट कीजिए. ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1. ए इज 32 एंड आर इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड एन इज 7. Now, if we are doing this question by third method mein sabse pehle hume find out karna hoga total number of terms in this GP. For this last term L, suppose it is nth term of the GP. Under root 2 raised to the power n means we can write 32 as 2 raised to the power 5 and this is 2 raised to the power n by 2. Under root 2 ko hum likh sakte 2 raised to the power 1 by 2. 5 is equal to n by 2. So n is equal to 10. Total number of terms in this series are 10. Now we have to find 7th term from the end. Means fourth term from beginning. Just find T4. That is AR raised to the power N minus 1. A is under root 2. R is also under root 2. And N is 4. Under root 2 ko hum 2 raised to the power 1 by 2 likh sakte hain. 2 raised to the power 2 means 4. Aap kisi bhi method se solve kijiye. Second question. Find the third term from the end of the GP. Question में mention है it is GP तो करने की show करने की जरूरत नहीं है. Its first term is 2 upon 27 और common ratio find out करने के लिए हम second वाला term जो है 2 upon 9 इसको divide करेंगे first वाले term से. Common ratio is 3. And the last term is 162. We have to find third term from the last. That will be L upon R raised to the power N minus 1. 162 upon R is 3 and N is 3. थ्री रेज टू द पावर 2 इज 9 और 9 से आप इसको डिवाइड कीजिए 18. मीन्स थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 18. आप सेकेंड या थर्ड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द जीपी
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्न फ्रॉम द बिगनिंग एंड फोर्थ टर्न फ्रॉम द एंड. जीपी इज गिवन विद फर्स्ट टर्म 1/27. कॉमन रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म को डिवाइड करके फर्स्ट टर्म से, दैट इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 81. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. That is a r raised to the power n minus 1. Put the values. A is 1/27, r is 3 and n is 4. Fourth term from the beginning is 1. Now we are finding fourth term from the end. For this we are using the formula l upon r raised to the power n minus 1. L is 81. R is 3 and N is 4. (1 × 3) (3). Question number 4. For a GP, Pth, Qth and Rth term are A, B and C respectively. Prove this. Given hai Pth term is A. Qth term is B. एंड rth टर्म इज c. अब देखिए a और r नोटेशंस इसमें यूज हो रहे हैं इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल A एंड कॉमन रेशियो कैपिटल R. देन pth टर्म विल बी a r रेज टू द पावर p माइनस 1 दैट इज a. And qth term will be a r raised to the power q minus 1. Just we are using tn is equal to a r raised to the power n minus 1, that is b. And rth term will be a r raised to the power r minus 1, that is c. We are considering left hand side. A, b or c ki values put kar rahe hain. A is a r raised to the power p minus 1, b is a r raised to the power q minus 1 and c is a r raised to the power r minus 1. Now log ki property use kijiye. Log mn is equal to log m plus log n. Then it will be equal to log a plus log r raised to the power p minus 1. Similarly, this will be log a plus log r raised to the power q minus 1. And in third term, we will get log a plus log r raised to the power r minus 1. Now log a ke coefficient ko aap jara collect kijiye. First term se aapko log a ka coefficient milega q minus r, second se r minus p aur third se p minus q. Look at this. This is 0 and when log a multiply by 0 we will get first term 0. Now for second term we are applying the formula log a raised to the power b is equal to b log a. Pehla formula aap isme apply karenge to power starting mein aapko milegi. Then second term q minus r as it is and this will be equal to p minus 1 log r. From second term we will get r minus p और ये वाली पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी q minus 1 log r and from third term p minus q and this power will be on this position r minus 1 log r. Now
फर्स्ट टर्म लॉग ए वाला आपको जीरो मिल गया है, और इन सभी टर्म्स में से अगर हम लॉग आर कॉमन ले लें तो लॉग आर का कॉफिशेंट ये होगा, फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड टर्म इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। थर्ड टर्म में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। नाउ सॉल्व दिस। लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो जीरो, मीन्स आंसर इज जीरो एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी हैव प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए बी सी आर इन जी पी प्रूव दैट लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी आर इन ए पी। गिवन है ए बी सी आर इन जी पी, इट मीन्स बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी, दिस इज इक्वेशन वन। वी हैव टू प्रूव log a, log b and log c are in AP, means we have to prove 2 log a is equal to log a plus log c. Now, given हमें है, वहां से हम start करेंगे. From equation 1, b square is equal to ac because a, b, c are in gp. Taking log on both sides, log b square will be equal to log ac. Now, log ki formula use kijiye. Log m raised to the power n is equal to n log m. And log mn is equal to log m plus log n. Then this power will be in starting 2 log a is equal to log a plus log c. And look at this, if 2 log b is equal to log a plus log c, it means log a, log b and log c are in AP. Proved. Question numbers, each term of a GP is raised to the power x, show that the resulting sequence is also a GP. अगर हम किसी GP की हर टर्म में पावर x रेज कर दें तो जो नई सीरीज सीक्वेंस हमें मिलेगी वो भी GP होगी, ये हमें प्रूव करना है. चलिए जनरल GP हम कंसीडर कर रहे हैं. We have to prove that this new sequence is a GP. तो ये कब GP होगी? अगर इसका two conjugative terms का ratio equal है, constant है, then it will be a GP. Let's check. Second term T2 divided by T1 जरा find out करते हैं. That is AR raised to the power X divided by A raised to the power X. R raised to the power x. Now, third term को divide करके देखते हैं second term से. अगर ये ratio भी हमें यही मिलता है, it means it is a GP. ये power अगर आप numerator में ले जाएंगे तो ये minus हो जाएगी. It is R raised to the power X. Ratio is constant. It means this is also a GP. Therefore, resulting sequence is a GP. Question number 7, ABC are in AP.
A X B R in G P, whereas B Y C R in G P show that these are in A P. चलिए जो भी रिजल्ट हमें गिवन है उसको यूज करते हैं. हमें गिवन है फर्स्ट कंडीशन ए बी सी आर इन ए पी. इट मीन्स टू बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बिकॉज ए बी सी आर इन ए पी. इट मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. सेकेंड हमें गिवन है इट इज इक्वेशन वन. ए एक्स बी आर इन जी पी. और अगर ये जी पी में है इट मीन्स मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. सेकेंड इक्वेशन. थर्ड हमें गिवन है बी वाई सी आर इन जी पी. मीन्स हमें गिवन है स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी. दिस इज थर्ड इक्वेशन. एंड वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इन ए पी. मीन्स हमें प्रूव करना है टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इन तीनों रिजल्ट की हेल्प से हमें प्रूव करना है. चलिए सेकेंड और थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं. वी विल गेट द राइट हैंड साइड. Adding 2 and 3, we will get x square plus y square is equal to ab plus bc. B अगर हम common ले लें, it will become b into a plus c. और a plus c की value हम put कर रहे हैं from equation 1. That is 2b. Mention कर दीजिए. Is equal to 2b square. And if 2b square is equal to x square plus y square, it means अगर आप और ज्यादा इसको explain करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि b square minus x square is equal to y square minus b square. T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Therefore, यहां से आप direct भी लिख सकते हैं x square, b square and y square are in AP. Question number 8. If ABC are in GP and these terms are in AP, prove that these two results. चलिए first को पहले देखते हैं. तो हमें given है ABC are in GP. Means b square will be equal to ac. This is equation 1. And second hame given hai a x b y c are in ap. Ab dekhiye agar ap mein hai to agar aap first three terms ko consider kare then 2x will be equal to a plus b. Aur last three terms ko consider karenge we will get 2y is equal to b plus c. अब इन तीनों की हेल्प से हमें रिजल्ट प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन बी. इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई. एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दीजिए. एक्स की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ए प्लस बी अपॉन 2 और वाई की वैल्यू है बी प्लस सी अपॉन 2. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए और अब हम इसमें रिजल्ट नंबर 1 को यूज कर रहे हैं दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो देखिए इस ए सी के प्लेस पर हम बी स्क्वायर पुट कर रहे हैं. Now we are taking b common in denominator.
So it is equal to 2 upon b, that is the right hand side of part 1. Part 1 हमने प्रूव कर दिया. Now we are taking second part. Second part में हमें प्रूव करना है a upon x plus c upon y is equal to 2. तो चलिए इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और x और y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं. x is a plus b upon 2 एंड y is b plus c upon 2. अगेन वी आर टेकिंग LCM. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट AC इज इक्वल टू b स्क्वायर. देखिए एक AC को हम रिप्लेस कर रहे हैं b स्क्वायर से. Now these are similar terms, so it is equal to 2, that is the right hand side of second part. Question number 9th, last question of this exercise. If ABC are in AP and also in GP, show that A is equal to B is equal to C. First of all, ABC are in AP. It means 2B is equal to A plus C. Second, हमें given है ABC are in GP also. It means B square is equal to AC. This is first equation and this is second equation. इन दोनों equations को use करके हमें ये result find out करना है. इक्वेशन नंबर 1 से हम b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब लेफ्ट साइड में आप सभी टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए. दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0. मींस a minus c whole square is equal to 0 means a is equal to c. Now, if a is equal to c, then from equation 1, 2b is equal to a plus c. इसमें आप put कर दीजिए a के place पर c. We will get b is equal to c. Now, c a के भी इक्वल है और b के भी इक्वल है. इट मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. अगर ये है तभी a b c a p और g p दोनों में होंगे. Now we have completed exercise 11C. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ, साथ ही उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और वर्किंग रूल और फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.